मध्य प्रदेश में रेप माफियाओं द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि मध्य प्रदेश में सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए काम कर रही है। उधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि उल्टा लटका देने टांग देने के दावे करने वाले सीएम कहां हैं। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात संभालना अब भाजपा सरकार के बूते की बात नहीं है। कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है, चुस्त दुरुस्त प्रशासन, पारदर्शी सरकार, विकास मूलक कार्यक्रम और जन कल्याणकारी हमारी जनता की सेवा, ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में माफिया नहीं रहेगा, ये मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। चाहे वो रेत माफिया, भू माफिया हो, नशा माफिया हो या किसी और तरह का माफिया, वो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जनता मध्य प्रदेश में विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। टीआई के साथ मारपीट करते हैं माफिया, मंत्री भिंड के अंदर मंत्री के घर के सामने माफिया फायरिंग करता है, एक वन रक्षक की जान चली जाती है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और जो बाबा मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसको करनी रहे कथनी और करनी मंत्र, मैं कहा था टांग देंगे, लटका देंगे, गाड़ देंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ये कुछ हो जाता तो मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती, अभी सब कुछ ठीक चलता रहता।